हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट नेटवर्क। और दोस्तों, आज आरसीबी की टीम की तरफ से तीन बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और दोस्तों, अगर आप आरसीबी के फ़ैन हो तो ये खुशखबरी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आरसीबी की टीम के हवाले से। और दोस्तों, वीडियो को यहाँ शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे आरसीबी की टीम की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अब दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो खुशखबरी निकल के आ रही है वो आ रही है एडम ज़ैम्पा के हवाले से। दोस्तों, कल यहाँ पे दूसरा वनडे खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहाँ पे दोस्तों एडम ज़ैम्पा ने एक और बार अपना हल्ला बोला। दोस्तों, उन्होंने 10 ओवर में केवल 36 रन दिए और तीन बड़े विकेट लिए इस मैच में। हमने दोस्तों देखा था पिछले मैच में एडम ज़ैम्पा ने चार बड़े विकेट लिए थे और काफ़ी शानदार बॉलिंग कराई थी, लेकिन दोस्तों कल के मैच में एडम ज़ैम्पा ने काफ़ी कम रन पिटवाए। उन्होंने केवल 36 रन दिए यहाँ पे और तीन बड़े विकेट लिए। उन बड़े विकेट में से दोस्तों तीन बड़े प्लेयरों का नाम आता है। पहले है दोस्तों यहाँ पे जो रूट, दूसरे हैं इयान मॉर्गन और तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मारा था पहले वनडे में, सैम बिलिंग्स। और एडम ज़ैम्पा के तीन विकेट लेने के बाद यहाँ पे इंग्लैंड की जो टीम थी वो काफ़ी कमज़ोर होती हुई नजर आई और इंग्लैंड की टीम ने 232 ही रन बना पाए अपने 50 ओवरों में। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है आरसीबी की टीम के लिए, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की टीम ने यहाँ पे एडम ज़ैम्पा को खरीदा है, जिसके बाद दोस्तों एडम ज़ैम्पा फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं और ये हो सकता है कि दोस्तों आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखे आरसीबी की टीम के लिए। और एडम ज़ैम्पा के इस परफॉर्मेंस के बाद आरसीबी की टीम और आरसीबी के फैंस काफी ज्यादा खुश हुए। दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में, और ये खुशखबरी दोस्तों निकल के आई आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप से। दोस्तों, कल आरसीबी की प्रैक्टिस कैंप में एक छोटा सा बॉलिंग कॉम्पिटिशन रखा गया, जहाँ पे दोस्तों सारे बॉलर्स को यॉर्कर करानी थी। और दोस्तों, इस यहाँ पे चैलेंज में विराट कोहली काफी ज्यादा फन लेते हुए नजर आए, काफी ज्यादा यहाँ पे चीयर्स करते हुए नजर आए आरसीबी की टीम के बॉलर्स को। जैसे कि आप इस वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं, आरसीबी की टीम ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड करा है और इस वीडियो में आप दोस्तों देख सकते हो कि आपको यहाँ बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, उनके साथ आपको दोस्तों दिखेंगे नवदीप सैनी, इसरो उड़ाना, सारे के सारे दोस्तों जो है ये यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और विराट कोहली यहाँ पे जो बॉलर्स को काफी ज्यादा यहाँ पे चीयर्स कर रहे हैं, काफी ज्यादा एक फन का माहौल सा बन रखा है इस प्रैक्टिस कैंप में, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं इस पूरे फन की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप से। और दोस्तों, कल हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखिए आरसीबी के ओपनर पार्थिव पटेल ने दोस्तों यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगाए प्रैक्टिस कैंप में। साथ ही हमें देखिए एबी डिविलियर्स बैटिंग की प्रैक्टिस करते हुए, और शाहबाज नदीम ने भी यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ देखते हैं क्रिस मॉरिस, नवदीप सैनी, सारे के सारे बॉलर्स यहाँ पे बॉलिंग के प्रैक्टिस करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे काफी बड़ी खुशखबरी है, आरसीबी के सारे जो प्लेयर है सारे के सारे काफी फिट और फाइन नजर आ रहे हैं और काफी अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है आरसीबी की टीम की आईपीएल 2020 से पहले। तो दोस्तों, ये थी वो तीन अपडेट्स जो कि निकल के आई आरसीबी की टीम के हवाले से। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे आरसीबी के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में।